हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप रख रहे होंगे। और मैं फ़िलहाल बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी करवा चौथ। तो आज तो करवा चौथ है और सबके लिए ये डे बड़ा, हम लेडीज़ के लिए बड़ा ही स्पेशल एक्साइटेड डे होता है। तो गुड मॉर्निंग, बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं। ये देखो मेरे छोर तैयार हो गए। मैं ये सोचूं कि बालकन की बेचारी मैडम क्या करेगी, हैं? हम लोगों पे तो दया हो रही है और इन बालकन की मैडम पे इतना अत्याचार हो रहा है, बेचारी बोल बोल के थक जाएंगी, हैं? तो भाई हम इन्हें अभी भेज रहे हैं स्कूल, उसके बाद हम अपनी करते हैं तैयारी। कैसे रहेगी आज पूरा दिन? ये लेट लतीफ सबसे एंड में आता है, फ्रंट सीट पे बैठता है, सबसे लेट आता है। सो गाइस देखो, हम दोनों नहा धो के तैयार हो गए हैं और रोटी पानी हमने बना दिया। अभी हम दोनों ने सूट पहने, ये देखो उसका सूट और ये देखिए मेरा भी सूट। बस होगी बहन मॉडलिंग, बस बस अच्छा यार कि मॉडलिंग हर जगह चालू हो जाए। तो भाई हम दोनों अब कर रहे हैं अब अपनी तैयारी। दो डेढ़ पौने दो का टाइम हो, डेढ़ पौने दो का टाइम हो गया। बच्चे स्कूल तो आने वाले हैं और अब बैंड बजने वाली, क्योंकि अब बालक स्कूल तो आएंगे तो अब चीखना चिल्लाना शुरू होगा। अभी तक तो शांति में बीत रहा है दिन, पर अब वो आ जाएंगे तो अब शुरू होगी हमारी खटपट खटपट खटपट। तो अभी वैसे हम तैयारी करने जा रहे हैं अपनी, अब हम अपने निकालेंगे क्योंकि हमने अपनी ऑलमोस्ट कोई तैयारी करी नहीं, थोड़ी बहुत ही कर रखी है। अब हम सारा सामान निकालते हैं धीरे धीरे, वो आपको हमें सब कुछ दिखाएंगे। और ये देखो हमारी मेहंदी का रंग, तो दिखा अपनी यार, तेरी अभी बिखारी है थोड़ी, आगे आ जा, इतनी पीछे क्यों जा रही है? हाँ तेरी फेड होगी, तेन पोछा लगाया ना, फेड होगी, पीछे तो डार्क लग रही है, आगे तो देख मेरी है। कैसी लग रही है हमारी मेहंदी, है ना? अच्छी लग रही है ना? मुँह तो पर्सनली मुँह बहुत अच्छी लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं निकालने, जू न हो रही, मेरे कभी नहीं सोचा जू हो रही है, मैं बालों ने खुजा दी। तो ठीक है, तो चलते हैं हम अपना सामान निकालने अपनी सासू माँ के पास। उनसे पूछ रहे हैं मम्मी जी क्या क्या करना है, क्योंकि हम संस्कारी बहू। मजाक मजाक, डोंट टेक इट सीरियस, है ना? डोंट टेक इट सीरियस यार, ये बोलता आज सुबह खाया भी ना है। सोचो आज है ना कुछ खाया भी ना, जब भी मोटी लग रही है। सोच बोलते तो खाती तो कितनी मोटी लगती है ना आजकल, तो बोलते बस पूरा का पूरा मुंह एक जैसा हो रहा है, गर्दन और मुंह सब मिलते जा रहे हैं। टिक टिक, चल भाई मैं निहार लूं अपने आप है। अब वो मैं तैयार हो लेते हैं हम, जरा अब तैयार होना शुरू करेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ ना मथुरा में रात में ही कहानी पढ़ते हैं और कहानी का टाइम है यहाँ पे 6:30 बजे का, 6:30 6:15 के आसपास से 7:15 के आसपास तक है। 1 घंटा 1.5 घंटे का कुछ टाइम है पूजा, उसका पूजा का और कहानी। तो हम पूजा और कहानी शाम को ही पढ़ते हैं, यहाँ पे बीच में चाय पीने का रिवाज नहीं है। पर मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ कि हमारे घर पे यानी हमारे फरीदाबाद में शाम को 2:00-3:00 के आसपास हमारी बहनों के वहाँ पे भी कहानी पढ़ के चाय वगैरह ले लेते हैं। वो लोग सुबह भी थोड़ी चाय वगैरह ले लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरे दिन रखते हैं और शाम को ही जब चांद निकलता है तभी व्रत खोलते हैं। तो हमारा फुल डे का होता है ना। तो अभी हमने निर्जलाई है तो हमने तो खा ही लिया, किसी ने भी नहीं लिया होगा। तो गाइस देखो ये हमारी तैयारी हो गई है, हमने अपनी मम्मी जी की बना ली है, मतलब परात सजा ली है। और ये देखो हमारे मीठे करवे, और इसमें हमने चीनी डाल ली है, चीनी भर ली है, मतलब एक एक पति का होता है, एक एक सास का होता है। इसमें चावल डाल सकते हैं, इसमें चावल चीनी तिल बताशे कुछ भी डाल दो, हमने चीनी से भर लिया है। और चीनी के ऊपर एक एक सिक्का जरूर रख ले यहाँ से, ठीक है? तो हमने एक एक सिक्का भी रख लिया है क्योंकि खाली नहीं रखते। इसमें भी हमने दक्षिणा वगैरह सब रख लिए हैं, और इसमें जो हमारे बिछुए और पायल थी वो सब हमने कम्प्लीट कर लिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, और मैं करने जा रही हूँ फिलहाल में। और अभी हमारे पूजा का थोड़ा सामान आना रह गया है, जीजू लेके आएंगे। अच्छा आ गया, अच्छा आ गया भाई, मुझे पता नहीं था, फूल वगैरह सब आ गए हैं फ्रिज में रखे हुए हैं। तो अभी हम ये कर रहे हैं, और मिठाई वगैरह सब आ गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने,
ताकि खाने की तैयारी करके फिर हम तैयार होने जाएंगे पूरा ऐसे करके। तो चलते हैं, तो चौकी सजा लेंगे। बड़ी मम्मी ने उद्यापन कर दिया लास्ट ईयर, अब बड़ी मम्मी पूजा करेंगी दस दिन। उद्यापन मतलब होता है जब आपको बहुत टाइम होगा दर्द दर्द रखते हुए, तो फिर हम उद्यापन करते हैं। आप जो दूर हो जाते हैं तैयारी कर रही है, मैं यहाँ की तैयारी कर लूँ। हमारे यहाँ बनते हैं पूरी, हलवा, हलवे का भोग लगता है, मिठाई वगैरह नहीं, जरूरत नहीं है हमारे, तो हलवा और पूरी का भोग लगता है। और सब्जी में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, तो मैं उसी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर फटाफट एक साथ छोंक दूंगी। कब दोगे बेटा? जब पूजा हो जाएगी तब। मतलब इंजू तेरे को सवाल करने के लिए कभी तेरे को मम्मी चाहिए, सवाल क्वेश्चन करने के लिए कभी तू यहाँ जाती है। नहीं, मेरी छोरी बहुत क्यूरियोसिटी वाली है। स्मेल देख लो, कभी स्मेल ना रही हूँ, खराब ना हो। हाँ, ये मिट्टी ले आ, इधर मत करो बेटा, फैलाओ मत। ये मिट्टी है, इससे मैं गौर मैया बनाऊंगी अभी। मम्मी, गौर मैया कौन है? गौरी मैया मतलब होती हैं। गजरे भी लगा लिए हैं। अच्छा, फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हमें है। देख लो भाई, हमारी फ्रेंड्स हमको फॉलो कर रही है, वो हमारी बातें मान रही है, तो उन्होंने इस बार रेड साड़ी ही ली है और अपना गजरे वजरे, क्योंकि वहाँ पे फरीदाबाद में 3-4 बजे के आसपास कहानी पढ़ते तो सब रेडी हो जाते हैं, हमारे शाम को पढ़ते इसलिए हम लेट रेडी होते, तो उन्होंने तैयार होकर स्टेटस डाल दिया और नीचे लिख दिया, मेंशन किया है कि हमने रेड साड़ी पहन ली, ठीक है। और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी बोला था। आप लोगों में से किसने इसने पहनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किसने रेड कलर पिक किया था, नॉट साड़ी, इट्स अ रेड कलर, तो रेड कलर किस किसने पिक किया था। तो अब मैं मिक्सी चला लेती हूँ, इसमें बहुत तेज आवाज आएगी, ठीक है। मम्मा, आपने रेड साड़ी क्यों नहीं पहनी? आपने सुबह तो निकल के रख ली थी रेड साड़ी। तो रेड साड़ी बेटा पहनेंगे ना, मैं बता तो रही हूँ, हमारे लेट पूजा होती है, हम 6:30-6:30 बजे तैयार होंगे, तो इसलिए हम रेड साड़ी पहनेंगे। अभी पूरे दिन से मैं रहेंगे कम्फर्टेबल, बाद में साड़ी पहनेंगे अब, ठीक है। रख लो, तो चार चार पूरी साइड में।
तो गाइस देखो हमारा चंद्रमा निकल गया है, लोग बागों के बम फूटने शुरू हो गए, हमारे बहन ने अर्घ भी दे दिया और मेरे पतिदेव ने अब दर्शन दे दिए। रुक जाओ तो एक मिनट। तो देखो भाई दूध तो जाड़े में दिखाऊंगी अभी अंधेरा हो रहा है। आ जाओ। तो मेरे पतिदेव आ गए भाई, मैं भी अर्घ दे लूँ पहले, रुक जा। पूजा उजा हो गई है, हालत थोड़ी सी खराब है इसकी, तो ज्यादा खराब है मेरी, दो ही ठीक है इसकी तो गंभीर है। और अभी आईसीयू में एडमिट होने वाली हूं, अभी आईसीयू में जाने वाली है, या तो डायरेक्ट सीधे आईसीयू पहुंचेगी। तो हमारी पूजा पाठ हो गई है, चंद्रमा को अर्घ हमने दे दिया है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो फाइनली अभी तक पानी नहीं पिया, फिर भी देख लो कितनी एनर्जी है मेरे अंदर। मैंने पी लिया है, इसने पी लिया है, मैंने नहीं पिया अभी तक। तो अभी जाऊंगी और मैं पानी पीऊंगी अपने पति देव के हाथों से। तो गाइस इस वीडियो का एंड हम यही करते हैं। वैसे मेरे को ये समझ नहीं आता यार, लोग इतने एक्टिव होते हैं, इतना काम, उन्हें इतना फुर्सत भी मिल जाए यार, हमें तो काम से ही फुर्सत ना मिले हैं यार, हमें काम से ही फुर्सत ना मिले। बताओ पहले पूजा करी, पर तैयार हो तो पूजा करी, फिर रोटी पानी बनाए, फिर मैंने इन्हें रोटी, बच्चा ने सब ने रोटी खवाई, इतने बर्तन धोए, इतने चांद निकल गए, फटा भाग भाग कर जल्दी से जाकर चांद को अर्घ दे दिया और अब फटाफट सब हमारे पति देव आ गए, उनको खाना दूंगी। तो यार हमें तो काम दे फुर्सत ना मिले, कैसे मिल जाओ जनता समय, पता नहीं जनता को तो यार कैसे मिल जाओ। चलो ठीक है, इस वीडियो का एंड हम यही करते, काई को आपको अपने उन्हें दिखावा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। सो थैंक यू, बाय बाय।